इसमें हूँ मंटू यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मंटू एस कार्तिक। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने बैंक में जाकर अपना मिनी स्टेटमेंट जो निकलवाते हैं बैंक के द्वारा, तो आप लोगों को बैंक का चक्कर काटना पड़ता है, एक दिन दो दिन चार दिन का समय भी लग सकता है। तो अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराए होंगे तो आप लोगों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोग घर बैठे अपना मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी पास की दुकान से प्रिंट आउट करा कर अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, अपने प्ले स्टोर से जाकर एक ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको सिंपली पहले से लॉगिन कर लेना होगा जिसका नाम है NoSBI। उसमें कैसे लॉगिन करना है मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना क्या कीजिएगा, NoSBI का जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सिंपली आप एम पिन बनाए होंगे और इंटरनेट बैंकिंग का जो ID पासवर्ड होता है वो भी बनाया जाता है इसमें जब लॉगिन किया गया पहली बार। अपने बैंक पासबुक से इसमें लॉगिन कर सकते हैं या ATM के द्वारा, आप लोग जब रजिस्टर करेंगे ना उस समय उस सब का लगता है। चलिए मैं पहले से लॉगिन कर चुका हूँ और मैं यहाँ से अपना एम पिन के ज़रिए यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। एम पिन डालने के बाद देखिए मेरा यहाँ से ओपन हो चुका है NoSBI का ऐप और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में अकाउंट वाले ऑप्शन दिया है उस पर सिंपली आपको एक बार टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद देख लीजिए यहाँ से आपका जो भी अकाउंट बैलेंस होगा यहाँ से शो कर दिया जाएगा और आप लोग जहाँ पर बैलेंस शो करा है उसी के ऊपर एक बार फिर से टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे राइट साइड में एक मैसेज बॉक्स का दिखाई दे रहा है आइकन और एक ATM कार्ड के जैसा आइकन दिखाई दे रहा होगा जिसमें SBI का लेबल लगा हुआ होगा। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा उसका लेबल का यहाँ पे कार्ड शो कर दिया जाएगा। सिंपली आपको क्या करना होगा, इसी कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टाइप कर देना होगा। यहाँ से कुछ देर के लिए लोडिंग ले रहा है, देखिए यहाँ से लिख रहा है फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली इन फाइल, यानी स्टोरेज में ये मेरा PDF फाइल डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा NoSBI से मेरा मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड हुआ है या नहीं। सिंपली मैं बैक चला आया हूँ और बैक आने के बाद मैं अपना जो फाइल मैनेजर का ऐप है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ से ये जो मेरा PDF है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से मिनी स्टेटमेंट 15 पेज में डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ से ब्लर कर दे रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मेरा SBI का जो मिनी स्टेटमेंट है यहाँ से निकल चुका है और आप लोग इस तरह से आप लोग घर बैठे अपना बैंक का मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा है मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।